नमस्कार ज्यादा बोलने वाले लोग कैसे होते उनकी क्या खासियत होती है क्या ज्यादा बोलना अच्छा रहता है या कम बोलना अच्छा रहता है मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि कम बोलने वाले लोग कैसे होते हैं। कम बोलने के क्या फायदे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा बोलने वाले लोग कैसे होते हैं और उनकी क्या खासियत होती है ज्यादा बोलने से क्या आपको नुकसान है या फिर क्या आपको बेनिफिट है यह आज अपन जानेज कि ज्यादा बोलना गुड है अपनी पर्सनालिटी के लिए या बेड है सबसे सा पहले देखेंगे ज्यादा बोलने वाले लोग कैसे होते हैं ज्यादा बोलने वाले लोग पता है आपको किसी दूसरों के साथ में बातें करते हैं ना तो पहली मुलाकात में जल्दी खुल जाते हैं पहले मुलाकात में अपने सारे राज उनको बता देते हैं और जब वो उनको राज बताते हैं जल्दी खुद बोल जाते हैं जल्दी खुल जाते हैं तो उनको खुद को ही पता नहीं चलता है वो बातों ही बातों में अपने सारे राज अपने फैमिली के बारे में अपने परिवार के बारे में अपने रिश्तेदारों के बारे में अपने बिजनेस के बारे में हर चीज़ के बारे में सामने वालों को बता देते हैं क्योंकि उनकी आदत होती है जल ज़्यादा बोलना तो ये ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ना किसी से फर्स्ट बार मिलते हैं ना तो एक तो वो जल्दी खुल जाते हैं हिचकिचाहट नहीं रखते हैं सामने वाले से बोलने में जल्दी बोल जाते और दूसरा जो अपने जो सारे अंदर जो सारे राज है ना वो अधिकतर राज उनको बता देते ये ज़्यादा बोलने वाले लोगों की खासियत होती है ज़्यादा बोलने वाले लोगों के पास में बहुत सी कहानियां और बहुत से किस्से और बहुत से रहस्य होते हैं ज़्यादा बोलने वाले लोग आपने देखा होगा वो क्या होता है वो ज्यादा क्यों बोलते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी कहानियां होती है बहुत सारी स्टोरीज होती है बहुत सारे रहस्य होते हैं तो लोगों को बताते रहते हैं अब चार पांच जने बैठे हैं ज़्यादा बोलने वाले लोग आ गया है ना तो वो तरह तरह की कहानियां तरह तरह के रहस्य लोगों को बताएगा लोग भी आराम से सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे उसकी बातें और अट्ठास करेंगे इन्जॉय करेंगे और अधिकतर जो कम ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ना अधिकतर क्या वो दूसरे लोगों के बारे में बोलते हैं दूसरे लोगों की स्टोरियाँ उनको सुनाते हैं और दूसरे लोगों उन्होंने क्या किया उनके बारे में बताते हैं तो ये ज़्यादा बोलने वाले लोग है होते हैं ना वो रहस्य बताते रहते लोगों को स्टोरियाँ बताते रहे उनके पास में बहुत सारी बातें होती है वो लोगों को बताते रहते ज़्यादा बोलने वाले लोगों को एक खासियत और होती है ये हमेशा अपने खुद के बारे में बात करना पसंद करते जब सामने वाले लोगों को बताएंगे ना तो यार मैंने ऐसे किया था मैं वहां गया था मैंने ऐसे चुटकेम किया था बस अपनी अपनी बातें बताएंगे अपने ही अपने को सर्वे सर्वा उनके साथ सामने घोषित करेंगे मतलब ये कह सकते हैं कि जो ये ज़्यादा बोलने वाले लोग होते हैं ना ये दूसरों के सामने अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते हैं और बातों बातों में अपनी प्रशंसा करते हैं मैंने तो ये कर दिया था मैंने वो कर दिया था मैं वहां गया था उनको बताया मतलब उनको अगर सामने वाले कोई दूसरी बातें करेंगे ना तो उनको इतना पसंद नहीं आएंगे बस वो चाहते हैं सामने वाले मेरी बातें करो और मैं भी मेरी बातें उनको बताऊँ ज़्यादा बोलने वाले लोग अपनी ही बातें अपनी ही प्रशंसा अपने मुंह से दूसरों के सामने करते हैं अपनी बातें लोगों को बताते हैं वो चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में बात करें और मैं भी अपने बारे में दूसरों को बताऊं ज्यादा बोलने वाले लोग की खासियत होती है ज्यादा बोलने वाले लोगों की एक खासियत और होती है ये अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना दूसरे कुछ बात कह रहे हैं वो नहीं बस लेकिन वो उनकी बात नहीं तो आपको यार ऐसा करना चाहिए था ना, आपको ऐसा करना चाहिए नहीं मैं कह रहा हूँ आपको ऐसा करना चाहिए ज़्यादा बोलने वाले लोगों की खासियत होती है वो हमेशा अपनी बात लोगों को मनवाने की कोशिश करते हैं उनको लगता है कि यार मैं कहूँगा जो सही और ये करना है ये करना है बस उनको लगता है कि यार मेरी बात माने क्यों क्योंकि वो ज्यादा बातें करते हैं लोग उनको ज्यादा सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है यार उनकी बातें लोगों को सुननी चाहिए और वो अपनी बात लोगों से मनवाने की कोशिश करते हैं अब एक बात नोट करना कि क्या ज्यादा बोलना आपकी पर्सनालिटी के लिए बेनिफिट है या नुकसान है ज्यादा बोलना हमेशा ध्यान रखना अधिकतर से 85 फाइव परसेंट आपकी पर्सनलिटी के लिए नुकसानदायक ज्यादा बोलने से क्या होता है लोग आपसे पक जाते हैं आप ज्यादा ही बोलते हो और बिना निरर्थक बोलते व्यर्थ बोलते लोग आपको अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं आपको टालने को से अरे यार कुछ नहीं यार वो आएगा तो बकर बकर करेगा और ऐसे करेगा अगर आप बिना व्यर्थ की बातें अगर बात बात आप बोलने की कोशिश करोगे रुकोगे नहीं अगर आप ज्ञान की बातें भी बोल रहे और बहुत बहुत ज्ञान की बात बोलते हो रेगुलर बोलते हो तो लोग बोर हो जाएंगे ज्यादा बोलना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है ज्यादा बोलने से क्या है आप अपने सारे राज लोगों को बता दोगे जब सारे राज लोगों को बताओगे तो आपके लिए मुश्किल पैदा होगी आपके लिए भविष्य में खतरा पैदा होगा इसीलिए ज्यादा बोलना हमेशा आपके लिए नुकसानदायक ही रहता है कम बोले सटीक बोले सटीक वाक्यों में अपने पावर तरक्के सामने के सामने सामने लोगों के सामने अगर आप ज्यादा बोलोगे अच्छी ज्ञान की बातें भी ज्यादा बोलोगे एक दो घंटों तक बकर बर करोगे लोग नहीं सुनेंगे भले आप कितने विद्वान क्यों ना हो कहते हैं ना कि बहुत ही कम शब्दों में सार कहना वही सबसे बड़ा विद्वान होता है आप विद्वान हो अगर आप अपनी बात को लंबी चोड़ी कहोगे ना तो लोग नहीं सुनेंगे इसलिए ज्यादा बोलना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है कम बोले सटीक बोले और सही बोले यह आपके लिए बेनिफिट होगा